हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जया अग्रवाल। आज आपको ब्रेड इडली बनाना बता रही हूँ। उसके लिए हमने करीब 250 ग्राम दही, 5-6 आलू उबले हुए मैश किए हुए लिए हैं। मसाले में प्याज कटा हुआ, मीठी नीम, राई, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया 2 टीस्पून, जीरा, थोड़ी सा कटा धनिया और हरी मिर्च और अदरक घिसी हुई, बारीक कटी हरी मिर्च और अदरक घिसी हुई, और 12 से 16 स्लाइस ब्रेड के हिसाब से ये अंदाज से मटेरियल लिया हुआ है। ये 4 स्लाइस ब्रेड हमने से किनारे काट के रखे हैं, बाकी आप काट के बनाते जाइए। सबसे पहले हम इसमें ब्रेड में एक तरफ आलू की फिलिंग होगी, एक तरफ दही की फिलिंग होगी। सबसे पहले मैं आपको दही की फिलिंग के लिए तैयार करना बता। सबसे पहले हम दही की फिलिंग के लिए एक पैन में 1 टीस्पून तेल लेंगे, गरम होने देते हैं इसको। फिर इसमें गरम होने के बाद राई और मीठी नीम का तड़का लगाएंगे। अच्छे से राई चटकने पर आधा मीठा नीम आलू के लिए बचा ले रहे हैं, आधा इसमें डाल दे रहे हैं मीठी नीम। थोड़ा चला लेते हैं, करीब 1 टीस्पून इसमें, 1/4 टीस्पून करीब नमक डालेंगे। बस इसको थोड़ा सा ऐसा चला लीजिए, हो गया। ये अब हमारा दही तैयार है। अब मैं आपको आलू तैयार करना बता। 1 टेबल स्पून तेल लेंगे, इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। 1 चम्मच राई, 1/2 टीस्पून जीरा, थोड़ा सा मिर्ची और हरी मिर्च, 1 बड़ा कटा प्याज के डालेंगे, थोड़ा सा धनिया। आलू अच्छे से मैश कर लिया है बारीक, अच्छे से इसको दबा दीजिए जिससे फिलिंग में ये कांटे ना रहे। प्याज भूनने पर इसमें थोड़ा सा घिसा हुआ अदरक डाल दीजिए, ये आपके टेस्ट के ऊपर है। हल्दी 1/2 टीस्पून, मिर्ची स्वाद के हिसाब से, लाल मिर्च थोड़ी कम ही रखी है क्योंकि हरी मिर्च की डाली है हमने, और 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसमें अपना आलू मिलाते हैं, अच्छे से चला लीजिए। इसमें नमक डाल दीजिए 1 से 1.5 चम्मच, 1 टीस्पून नमक, और फिर हम इसको चलाते हैं। अब हमारा आलू तैयार हो गया है, इसमें थोड़ा सा धनिया, हमने हरा धनिया डाल दिया है। अब हम इसको गैस को बंद कर देते हैं। ये मैंने ब्रेड स्लाइस लिए हुए हैं, इसे किनारे काट दिए हैं। इसमें आपको एक तरफ आलू का मसाला फिल करना है, इसे अच्छे से फिल कर लीजिए।
ये देखिए चारों ब्रेड पिल हो गई है। तवे पे हल्का सा तेल डालेंगे। देखिए हमारा तवा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ब्रेड, ये जो आलू वाला हिस्सा है ये हम पलटा के डालेंगे। मध्य आंच पे थोड़ा सा दबाते हुए इसको सेकिए कि नीचे का आलू सिक जाए अच्छे से करारा। करीब 2 से 3 मिनट सिकने में आलू नीचे का लगेगा, ब्रेड को सिकने में 2 से 3 मिनट लगेगा। ये हमारी ब्रेड सिक चुकी है, अब हम इसके ऊपर दही की फिलिंग डालेंगे, करीब 2 चम्मच से 2.5 चम्मच, 2 से 2.5 चम्मच एक ब्रेड पे आ जाएगा। अच्छे से ऐसे गोल फिल कर लीजिए। ये ब्रेड इडली खाने में बहुत टेस्टी लगती है, खट्टा मीठा स्वाद होता है इसका और बच्चे बहुत पसंद करते हैं और झटपट बनने वाला नाश्ता है ये। ये थोड़ा सा तेल चारों तरफ डाल के बस आधा मिनट हमें गैस पे रखना है, फिर निकाल लेंगे। ये हमारी ब्रेड इडली तैयार। अभी हमारी ब्रेड इडली बनकर तैयार है।